प्रॉपर्टी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट कौन सा ऑप्शन है आपके लिए ज्यादा बेहतर असल नाजरीन मैं हू जवेर रज़ा और आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे स्टॉक से कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेहतर है तो चलिए लाइन बाय लाइन हम तमाम तर फैक्टर्स पे करते हैं बात सबसे पहला फैक्टर है एसेट क्लास अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी एक रिप्रेजेंटेशन है फ़िज़िकल एसिड्स की और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो वो ओनरशिप है कंपनीज में अगर हम यहाँ पे फ़िज़िकल एसिड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी तमाम तरह इस तरह की चीज़ें आती हैं स्टॉक्स की बात करें तो हम स्पेसिफ़िक कंपनीज में स्टॉक्स खरीद रहे होते हैं और वहाँ पर हमारी एक ओनरशिप होती है नेक्स्ट बात करें लेवरेज की प्रॉपर्टी को अगर हम परचेज़ करने की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे पास आते हैं बैंक लोन फैसिलिटीज़ मॉर्गेजेस इंस्टॉलमेंट प्लान एक्स वाई जी एक स्टडी कैश फ्लो वहाँ पे मिलता है लेकिन अगर स्टॉक्स की बात करें देन वी पे द डिविडेंड्स इन दैट डिविडेंड्स के साथ यहाँ पे इनकम गारंटीड नहीं होती स्टॉक्स राइज भी कर सकते हैं वो फॉल भी कर सकते हैं सो दैट इज़ द फैक्टर इन स्टॉक्स प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में ऑब्वियसली प्राइसेस का कंपैरिजन अगर हम प्रॉपर्टी में देखें तो वहाँ भी प्राइसेस फॉल करती हैं लेकिन कंपैरेटिवली पर रिस्क रेशियो हमारे पास कम होता है वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिसीजन बेस्ड फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं तीसरा अगर हम बात करें, तो इनकम पोटेंशियल प्रॉपर्टी में हमारे पास एक रेंटल इनकम या फिर हम उसे जैसे बोलते हैं आज के ज़माने में पैसिव इनकम पैसिव इनकम का फ्लो रहता है ज़्यादातर लोग जो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उनका मकसद सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं होता उनका मकसद ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल वहाँ से स्टडी कैश फ्लो आता रहे स्टॉक्स में आपको डिविडेंड्स पे करने होते हैं लेकिन इनकम पोटेंशियल आपका हमेशा वेरिएबल रहता है इट कैन वेरी नेक्स्ट uh, बात करें लिक्विडिटी स्टॉक्स ज़्यादा लिक्विड होते हैं एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टी बहुत ईजीली उन्हें ख़रीदा जा सकता है फ्रॉम द स्टॉक मार्केट प्रॉपर्टी को बेचने में इन द सेम वे स्टॉक्स को आप बेच भी बहुत ईजी सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टी को बेचने में आपका टाइम भी ज़्यादा दरकार होता है आपको प्राइसेस में भी नेगोशिएट करना पड़ता है राइट बायर राइट लोकेशन राइट एम्यूनिटीज़ बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं नेक्स्ट बात आ जाती है डाइवर्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी और स्टॉक्स दोनों में ही आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलती है स्टॉक्स की अगर बात करें तो मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ कंपनीज में आपका इंटरेस्ट हाउ यू कैन प्रिडिक्ट मार्केट फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक आप कार बेस्ड कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है नाउ यू कैन प्रोडिक्ट द मार्केट कि भाई उनकी परफॉर्मेंस है कैसी उनका कंपेरेटिव एनालिसिस क्या है अगर आप किसी और कंपनी की तरफ जाते हैं विच इज़ मेकिंग अदर गुड्स और लाइक द नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो वहाँ की भी आप प्रोक्टिबिटी प्रोक्टिबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं इसी तरह से आपको प्रॉपर्टी में भी डाइवर्सिफ़िकेशन मिलती है वहाँ पर मुख्तलिफ़ टाइप्स की प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल कमर्शियल वहाँ का भी आप एक कंपेरिटिव एनालिसिस दे सकते हैं बिफोर एक्चुअली इन्वेस्टिंग तो डाइवर्सिफ़िकेशन आपको दोनों ऑप्शन देते हैं ये था एक कंपेरेटिव एनालिसिस स्टॉक्स का विथ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अब डिसीजन आपका है कि आप क्या डिसाइड करते हैं मजीद मालूम के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी